बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल ने चंडीगढ़ में बीजेपी का दामन थामा और इस दौरान पंजाबी अभिनेता हॉबी धालीवाल भी बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत, पंजाब के बीजेपी चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने माही गिल और हॉबी धालीवाल का बीजेपी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद माही गिल ने कहा कि वो नया सफर शुरू कर रही हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अब वो पंजाब और केंद्र के बीच ब्रिज बनना चाहती हैं और वो पंजाब में विकास और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती हैं। वहीं हॉबी धालीवाल ने कहा कि उन्होंने पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है और अब वो पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बॉलीवुड का एक और सितारा अब राजनीति के सफर पर निकल पड़ा है। माही गिल, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा पंजाबी एक्टर हॉबी धालीवाल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन दोनों ने गजेंद्र शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। माही गिल ने कहा कि वो एक नया सफर शुरू कर रही हैं और उन्होंने कहा कि अब वो एक ब्रिज का काम करना चाहेंगी पंजाब और केंद्र सरकार के बीच, ताकि जनता के विकास के लिए उनके हक में काम किया जा सके। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा एक्टर हॉबी धालीवाल ने भी बीजेपी का दामन थामा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत की मौजूदगी में आपको बता दें कि इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव आगामी 20 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड के कई चेहरे ऐसे जिन्होंने राजनीति का दामन थामा और इसमें अब नाम जुड़ गया है बॉलीवुड की एक्ट्रेस माही गिल का, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके अलावा एक्टर हॉबी धालीवाल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पर मैं दिलों कहना चाहनी है कि मैं दिलों काम करना चाहनी हूं। आज तो 5-6 साल पुरानी गल है, मैं चाहती सी मैं कोई पार्टी ज्वाइन करा, मेनू कोई प्लेटफॉर्म मिले कि मैं कुछ करा। मैं कुड़िया लिए बहुत कुछ करना चाहनी है पंजाब च, जो मेरी दिलों इच्छा है, पर कदे कोई प्लेटफॉर्म वधिया मिलिया नहीं। अज मैनू एक बहुत वधिया प्लेटफॉर्म मिलिया है। साड़ी पार्टी, देखो साड़ी पार्टी आ गई ना सर, साड़ी पार्टी सेंटर च है, तो इस करके मैं एक ब्रिज बनना चाहनी हाँ कि जेडे भी पंजाब के मसले है, स्पेशली कुड़िया नू लैके या होर भी कोई भी मुद्दे है, मैं डायरेक्टली सेंटर तक पहुंचावा। 47 तो लेके हुण तक 65-70-75 साल दी विच कदे भी बीजेपी दी सोच दीआं नीतियां पंजाब दे विच लागू की डिस्कस भी नहीं हुई। सो मेरा मुढ़ला ते पहला ते शायद आखरी फर्ज भी यही रहूगा, बीजेपी दीआं ओह नीतियां जिहड़ियां पंजाब वास्ते आसवंद ने, लोड़वंद ने, असी सानूं चाहीदियां ने, वो लेके आनियां ते उन्हां नीतियां तो लोकां नूं जागरूक कराउणा ते फिर लोकां दी सोच या लोकां दी मांग हैड ऑफिस तक पहुंचाउणी, इसे कड़ी नूं मैं बरकरार रखण दी कोशिश करांगा। आज परिवार में एक बेटी के नाते पंजाब की बेटी हम सबके परिवार में आई है, एक बहन के रूप में आई है। मुझे लगता है कि हमारा कुनबा आज इसके कारण से बहुत समृद्ध हुआ है और पंजाब का एक बेटा, मजबूत कंधों वाला हम सब लोगों के बीच में पंजाब आज जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ है। निश्चित ही हमारी ताकत उसके कारण से बहुत सारी बढ़ने वाली है, हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा। मेरी जो एक्ट्रेस है फिल्म स्टार माही गिल जी और उसी तरह हॉबी धालीवाल जी एक जिस तरह कह सकते हैं कि ताकड़ फिल्म स्टार ने, जिस तरह इन्होंने बारे कहा गया कि हर प्रकार का रोल करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, विलियन भी बनते हैं, तो फिल्मों के जो मर्जी बन लेकिन आम समाज के अपना एक स्थान है। कमलदीप सिंह जी इन्हों का नाम है, दोनों हस्तियां तगड़िया हस्तियां ने। वैसे तो कहते हैं कि कहावत है कि हिंदी के भूत भूत से समुद्र भरता है, गड़ा भरता जो भी है, लेकिन आज भूत भूत नहीं, आज पूरे दरिया के दरिया समुद्र से आ गए हैं।